दोस्तों कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में भयंकर कहर मचाया हुआ है। उसी बीच नए स्ट्रेन ने आकर हालत और नाजुक कर दी है। इसी बीच कुछ अच्छी और कुछ बेहद डराने वाली खबरें आज दिन भर बनी रही। भारत में पिछले 24 घंटों में 47,262 जी हां से ज़्यादा लोग संक्रमित थे, 275 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना संकट फिर से बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 47,262 पॉजिटिव केस आए हैं। इसी दौरान 23,907 मरीज ठीक हुए हैं। बीते दिन 275 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और संक्रमण के नए मामलों में इन राज्यों की भागीदारी 80.5% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के मुताबिक देश में अब तक 1,17,34,058 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,12,05,160 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,60,441 ने जान गंवाई है। फिलहाल 3,68,457 मरीजों का इलाज चल रहा है, यानी ये कोरोना के एक्टिव केस है। दोस्तों यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद, बोर्ड परीक्षा स्थगित। देश भर में एक बार फिर कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों में तेजी आई है। 15 से 21 मार्च के बीच एक हफ्ते में रिकॉर्ड कुल 2.6 लाख नए कोरोना केस सामने आए। इस तरह नए केसों में 67% की वृद्धि दर्ज हुई है। इससे पहले 20 से 26 जुलाई के बीच सबसे ज़्यादा 34% की वृद्धि दर्ज की गई थी। लगातार बढ़ते खतरों को देखते हुए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब समेत कई राज्यों सरकारों ने फिर से स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद 24 से 31 मार्च 8वीं क्लास के स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जयपुर सहित प्रमुख 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। इन शहरों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। राज्य सरकार के मुताबिक प्राइमरी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। कोरोना वैक्सीन, चंडीगढ़ में 105 साल के बुजुर्ग ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। शहर के सेक्टर 15 सीनियर सिटीजन होम में रह रहे बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए सेक्टर 22 सिविल अस्पताल में विशेष कैंप लगवाया गया। सीनियर सिटीजन होम में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग रह रहे हैं। यहां बुजुर्गों को निःशुल्क रहने, खाने और मेडिकल सुविधा दी जा रही है। कैंप में 30 सीनियर सिटीजन को वैक्सीन लगाई गई, जिसमें 105 वर्ष के बुजुर्ग भी वैक्सीन लगवा चुके हैं। वैक्सीन के बाद सभी बुजुर्ग ठीक है, किसी में कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। बीते कई दिनों से चंडीगढ़ में कोरोना के मामले 200 से अधिक आ रहे हैं। चंडीगढ़ में 214 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। 1 अप्रैल 2021 से 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले हर शख्स को लगेगा कोविड-19 का टीका। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के जंग के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति कोरोना वैक्सीन लगवा सकता है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंगलवार को इस फैसले को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब 1 अप्रैल 2021 से देश में 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना वायरस का वैक्सीन लगेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आज पूरे देश में 4,85,00,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन का डोज लगे हैं। 80,00,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग चुकी है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 32,54,000 वैक्सीन के डोज दिए गए हैं। भारत में कोरोना का नया स्ट्रेन पसार रहा है पैर, दिल्ली मुंबई में नहीं थम रही है रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के तेजी से फैलने वाले विदेशी खतरनाक वेरिएंट के नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के नए वेरिएंट्स के 795 मरीज मिले हैं।
18 मार्च को देश ने इन वेरिएंट्स के साथ कुल 400 मामले दर्ज किए थे और 4 मार्च को 242 थे। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 2 सप्ताह में मामले 2 गुने हो गए हैं। इससे पहले मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा था, जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए पंजाब की तरफ से भेजे गए 401 नमूनों में से 81% में नया स्ट्रेन मिला है। कैप्टन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि कोविड वैक्सीन को 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए भी जरूरी किया जाए। ये महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात की पृष्ठभूमि के खिलाफ आता है जो कोविड-19 मामलों में गड़बड़ी की सूचना देता है। महाराष्ट्र में रोजाना कोरोना मामलों का 60% से अधिक हिस्सा है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।